हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पानी टंकी 8, बीरगंज बैरिक रोड, वेबसाइट प्रभु हॉस्पिटल .org, फोन नंबर 0551 2059 र 5209 70। प्रभु हॉस्पिटल, दीर्घायु भव। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सानी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार प्रणाम, सुन रहल बानी कार्यक्रम स्थानीय सरकार रेडियो सान्वी 96 बुनका 4 मेगाहर्ज पर एतवार से सुक्त सचिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद आवेला कार्यक्रम स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में हमने स्थानीय स्तर के मुद्दा स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करने छन। हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में उपस्थित बानी कार्यक्रम प्रस्तोता राम मंडल, प्रविधि ओर से अनुप जी बानी, और हमने कार्यक्रम में आज भी स्थानीय विषय वस्तु पर बात करम छन। खास करके अभी जौन समस्या बा अभी स्थानीय स्तर के ना होके पूरा देश के समस्या बन चुकल बा, संसद विघटन जौन भइल बा ओकरे विषय में आज हमने बातचीत करम छन। गइल एतवार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कैले रहनी, और संसद विघटन भइला सँगै आज तक आवत आवत लगभग बहुत कुछ हो चुकल बाटे। संसद विघटन भइला सँगै राष्ट्रपति द्वारा वैशाख 17 गते आ 27 गते प्रतिनिधि सभा के चुनाव करे के घोषणा भइल बाटे। वे अनुसार चुनाव में जाए के या फिर संसद विघटन के प्रस्ताव बा ओ खारिज होई अदालत से, एकरा विषय पर हमने चर्चा करम छन। और आज भी हमने एकजने अतिथि के लेके आइल बन्छन्। आज हमने नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय दुबेदी से बातचीत करम छन्। खास करके ये विषय पर बातचीत करे के खातिर वहाँ से हमने फोन संपर्क करे के कोशिश में बानी छन्, और फोन संपर्क होते मात्र वहाँ से हमने बातचीत करम छन्। और खास करके संसद विघटन के जौन बात बा ओकरा बारे में बात कैल जाऊँ। तो गैल एतवार के संसद विघटन भइल सोमवार, आज मंगलवार, और आज तक आवत आवत दू तिहाई बहुमत के जौन सरकार रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, ऊ आज तक आवत आवत लगभग फूट चुकल बाटे दूगो समूह में। जी एगो को केपी ओली समूह और एगो प्रचंड माधव नेपाल समूह, और आज दुनू समूह के अलग अलग भेला भी बैठ चुकल बा। भेला में प्रधानमंत्री ओली के अध्यक्ष पद से हटावेला माधव नेपाल आ प्रचंड समूह के जौन भेला रहल भेला से निर्णय भइल बा। अभी अभी आयल समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेकपा अध्यक्ष पद से हटावे के निर्णय पुष्प कमल दाहाल आ माधव नेपाल पक्ष के केंद्रीय कमिटी के बैठक से कर चुकल बा। उनका ठाव में माधव नेपाल के नेकपा के अध्यक्ष पद में चयन कैल गेल बाटे। दाहाल नेपाल पक्ष के आज दोपहर बबर महल में केंद्रीय कमिटी के बैठक बैठल रहे, और ओली के हटावे के आ नेपाल के अध्यक्ष में चयन करके निर्णय बहुमत से पारित कैले बा। आज के खातिर हमनिक अतिथि नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय द्विवेदी हमनिक संपर्क में बानी। अजय सर अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद। जी जैसे कि अभी जौन देश के स्थिति बा, संसद विघटन हो चुकल बाटे, एमे नेपाली कांग्रेस खास करके अभी तक चुपचाप बैठल अवस्था बा, काहे नेपाली कांग्रेस चुपचाप नहीं? नेपाली कांग्रेस हल्ला के बोले वाला, नेपाली कांग्रेस दूसरा के दिक्कत में खुशी मना वाला पार्टी रहा। नेपाली कांग्रेस के दो बात बा, देश के संविधान सब कोई मिलकर बने रहे बा, कांग्रेस भी ओकरा में शामिल बा। जी पहले भी देश में संसद विघटन होत रहे, जाना के चलते अस्थिरता सबके महसूस किया कि लगातार के संसद विघटन होकर रही तो देश अस्थिरता में रही, उसे देश में स्थिर संसद रहे, स्थिर सरकार रहे, उसे वर्तमान संविधान में तकबार संसद भंग न होकर एक व्यवस्था की गई है। अभी के संविधान में 4 प्रकार की सरकार बनाने की व्यवस्था रहा, 4 प्रकार के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नंबर 1 जरा बहुमत मिलल बा संसद में, बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री। नंबर 2 अगर बहुमत नहीं है तो दूगो चाहे तीन को दल मिल के गठबंधन के प्रधानमंत्री। नंबर 3 अगर कोई भी गठबंधन में नहीं बने तो सबसे ज्यादा सीट ले आए वाला पार्टी के प्रधानमंत्री, वो नहीं क्या होगा राष्ट्रपति के जगह के भरोसा हुई आदमी संसद में बहुमत ले आ सकता, राष्ट्रपति वो आदमी के आमंत्रित कर सकता सरकार बनाए थे।
अगर वो आदमी भी संसद में बहुमत न ले सकल, सरकार न बना सकल, तब वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मात्र संसद विघटन हो सकता है। ये बाहर वर्तमान संविधान में संसद विघटन करता है जो जी अभी जवन संसद विघटन भइल बा संविधान अनुसार बाकी ना सरासर संविधान के खिलाफ होगा कोई बात पे नहीं है उतने व्यवस्था बा वो बाहर तो बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री हुए बहुमत ना प्रचंड बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री होना जी जी तो बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री से संसद विघटन करे के कोई अधिकार नहीं है क्या रखोगे ये रखे में बोली जी नहीं कर बोली जी संविधान सभा में सभा करना इस संविधान बनाओ समय में सब पार्टी सारा नेता लोग सारा संविधान सभा के सदस्य का रखलो चाहे कि एक इतिहास बनने के देश के इतिहास का रहा कि राणा शासन के बाद से लेकर आज तक सात बिर लगभग 2007 साल के बाद आज तक कोई कॉलेज राज्य राजा के समय में स्थिरता रहे हई रहे और राजा के समय में 25-30 साल राजा के समय रहो समय मिली कोई प्रधानमंत्री नहीं थे जो लगातार 5 साल रहा जमना का नतीजा का है हमने के देश कोनो देश से कोनो माने में कम निकले खाली हमने के लगे इसे कम दे समुद्र निकले समुद्र निकले कम निकले लगे हिमाल बात है फिर हमने के चला बा बढ़िया बताओं बा इतना बढ़िया जनता बा मेहनती जनता बा अनुशासित जनता बा लगनशील लोग बा प्रकृति दिल खोल के चला बा हर चीज बा हमने के लगे कौन चीज कमी बा फिर भी हम एक और पिछाड़ी बन सा हमने इसे चीज से पिछाड़ी बन कि हमने के राजनीति अस्थिर बा स्थिर होकर जब परिवार स्थिर हुई एक नहीं दिमाग स्थिर रही तब वो आदमी बढ़िया काम कर सकता है हमें तो खाली जोड़े घटाव में रहे तो बढ़िया कर सकता अच्छा इस संसद विघटन के विघटन के घटना जो इस संसद विघटन भी ओकरे परिणाम रोबरा देखो था नहीं वो अस्थिरता है अस्थिरता के कारण है संसद विघटन जी केपी ओली जी बहुत संघर्ष से कई आए नेता हुए मामूली आदमी ना हुए कोनो सांसदीय आदमी ना हुए कोई नहीं कम्युनिस्ट पार्टी में और नेता लोग बा साधो नेपाली बा है प्रचंड जी बा है जनलाख कमाल जी बा है सब कोई संघर्ष चाहे नेता लोग है लेकिन नेता लोग में क्या सब खाली हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात रहने की चल राष्ट्रीय राजनीति में देख ले कोने संख्या पार्टी में से जो बिगड़ से बचल होते काल के दिन में कांग्रेस पार्टी की फुटर है बहुत छोट छोट बात से पार्टी फुट गई आज कम्युनिस्ट पार्टी फुट गई उन्हें भी प्रधानमंत्री अलग हुआ जी जी अपना पार्टी के नेता लोग से बात करके अगर अध्यक्ष छोड़ के 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहते तो क्या फर्क पड़े 7 वर्ष देश के संसद कम 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहते देश के स्थिरता के रूप में गई पार्टी चलाओ के दिमाग दूसरा करे या कोनो फॉर्मूला निकाल के बात करके कोनो सहमति हो जाए सहमति के साथ देश चलाओ पार्टी के भीतर सहमति बना के चलो हर पार्टी के भीतर जरूरी था ना तो नेता लोग के ईगो में कहा जाता कि टकराव हो जाता टकराव से पार्टी फूट जाता ऊपर असर कहा पड़ता शासन पर पड़ता शासन का असर कहाँ पड़ता विकास पर पड़ता अंत में अंत को कटवा देश को मार में पड़ता हमने के देश उकरे मार में था दुर्भाग्य जी जी अभी जी माले पार्टी फसल भी दुर्भाग्य है बड़ा पार्टी है बहुत जैसे कि कितना लोग अपने के पार्टी भी कहता कि असंवैधानिक बाई विघटन ओली के अहंकार के चलते भइल बाटे खास करके उनका लगे दूत यहाँ लगभग लगभग बहुमत रहे ओमे तो ये अवस्था ना आवे के चाहे फिर भी समस्या का भइल का देखनी रहुरा पार्टी में की प्रेम कोन है अहंकार के टकराव अहंकार ना ईगो ईगो के टकराव हो जाते हैं वालों में राजनीति करे वाले लोग में ईगो तंग रहेला राजनीति की जाओ और अभी ईगो रहेला लेकिन राजनीति करे वाले में खुद ज्यादा होला अब जो नेता हो गए तो ऋषि समान हो गए नेता लोग तो वो राम के ईगो से सवा मुक्त हो गए थे जाके प्रधानमंत्री जी रिक्वेस्ट के लिए प्रचंड जी पे फिर ज्ञापन प्रतिवेदन कृपा ले लीजिए प्रतिवेदन को आरोप पत्र पहले प्रचंड जी का परमिशन हो गया अगर फिरता लेने में आकर फिर मैं आपकी से ओली जी पे प्रतिवेदन फिरता हो जाए प्रचंड जी के भी प्रतिवेदन फिरता हो जाए फिर बैठक में बात करें तो कौन कौन रास्ता निकले हम संवाद से रास्ता निकाले कर आए थे हमेशा प्रयास करे थे टकराव आप जिगवा से विनाश होना भाग्य बात अपना कौन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अगर राजनीतिक हिसाब किताब उसमें पेशार से तो कांग्रेस कमी खुश हो गए थे चला इन्हें फुट में अब हमने के दिन आ गए चुनाव हो हम अपने लोग तो खुशी हो गए चाहिए तो लगभग लगभग खुशी के खास करके परसा जिला में देखल जाओ तो कांग्रेस के अवस्था तो डमाडोल भइल पहिल के ई चुनाव में चुनाव में हार गए नहीं सकन के कारण भी रहल विरोध कारण नहीं हो सकता जनता अपनी के ना पहले हो गए लेकिन कांग्रेस पार्टी परसा जिला में कमजोर कालों में से आगे नहीं से जाने ना हमने हमने प्राविधिक कुछ में हमने कोई सुख हो गया कई कार्य को हो जाना था बिहार जनता का वो अलग बात है चुनाव हुई हमने लगन कौन किसी की क्या रही समय बताई जनता आदमी के साथ भी तन चुनाव जरूर की तन चुनाव
जनता के बीच में 365 दिन 24 घंटा रहे वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस जनता कम्युनिस्ट कांग्रेस के कौन से निकाल रहे हर चीज कांग्रेस से खुला रहे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई थे तनको मन में थोड़ा सा किंचित भी हम कांग्रेस से कहकर निराश होकर के बाद नाम सही बनी सर जब भी चुनाव हुई कांग्रेस पार्टी चुनाव में भाग ली बढ़िया करी लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्रवादी पार्टी है हमने से चुनाव जीतना से भी ज्यादा सरकार बनने से भी ज्यादा हमने से लोकतंत्र ज्यादा प्यारा हमने के बनाओ संविधान है इस संविधान बढ़िया से काम करो जी जी जो हमने प्रथम लाइन में से गौतम साहिबा संघता आयल बा इतना बड़ा जन परिवर्तन आंदा स्थानीय सरकार आयल बा संविधान बढ़िया से लागू हो बढ़िया से काम हो पांच साल के माने के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार न हो क्या कहते हैं संघीय सरकार पांच साल बहुत जरूरी है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार अगर पांच साल लाती है अपना बहुमत में सरकार तो क्या गारंटी करती है कांग्रेस के बहुमत है अपने लोग के समय तो बेसी बेर भंग भइल बाटे तो लगभग जी जी ना अब जैसे कि निर्वाचन के चुनाव के तैयारी में रौरा लोग बानी लगन की काथी के तैयारी में बानी निर्वाचन में जान एक तो ओली की गलती पे ले आवेश में आके संसद भंग करके सिफारिश कर दे राष्ट्रपति हमने कहा बना लो राष्ट्रपति संरक्षक है तो संविधान के संरक्षक है ये संविधान के संरक्षक है ओकरा संविधान के धारा ना पढ़ के चाहिए तो कानून जी को बुला के सलाह ना लेके चाहे बहुत अदालत को सलाह ना लेके चाहे राजनीतिक दल से सलाह ना लेके चाहे तो जरूर लेके चाहे अभी खाली खेती होली जी ना खेती होली जी गलती पहले हाँ मैं राष्ट्रपति जी महा गलती पहले महा चुप हो गए उनका से उनका संरक्षक के समर्थक के क्षेत्र उस बात के उनका के प्रधानमंत्री जी बुला के समझाओ के साथ में संविधान में व्यवस्था दी के इतना कर लेके जा ठंडा दिमाग से बैठे ठंडा दिमाग से सोचो अपना पार्टी में मिलाओ हो सके तो पार्टी के और नेताओं को बुला के समन्वय कर काम करती राष्ट्रपति भी उनका पहले अभी हम से राम मनोहर यादव दास साहब ने राम मनोहर यादव जी 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 प्रथम राष्ट्रपति तब आए थे दल के बुला के सलाह ले उस समय के सरकार भी कितना सिफारिश में रहे बहुत सिफारिश उन्होंने करा के ले बोले ये बात के लिए समझे ले बट ले पत्थर ले फिर इस कार्य का अभिभावक हो राष्ट्रपति जो अभी अभिभावक है देश के संविधान के देश के साधन का अभिभावक हो उसका सब भूमिका करके चाहे दुर्भाग्य से राष्ट्रपति की भूमिका अब संविधान के व्याख्या करे का अधिकार अभी के सर्वोच्च अदालत अंतिम व्याख्या था सर्वोच्च अदालत संविधान के जी अदालत जैसे कि अदालत ही खारिज करी कह के अपने लोग के आशा विश्वास कितना बाटे अदालत से खारिज होई फिर से संसद के ब्यूटी आवल जाए फिर से संसद चली कह के संविधान में कौन सी व्यवस्था नहीं थे कुछ इस प्रकार के कोई कर देवे और के अदालत से काम लेवे तब इसे अपने भाई का हो सकता हमने के अदालत पर कानून पर संविधान पर विश्वास है हमने के विश्वास था जी और तो अदालत संघ रास्ता दी देश के राजनीति अगाड़ी बढ़ी जन गलती भेल में गलती के करेक्शन हुई आ फिर तो राजनीति ट्रैक में आई ट्रैक में आकर राजनीति अगाड़ी बढ़ी जी नेपाली कांग्रेस जी हम भी प्रजातंत्रवादी जनता में विश्वास करे वाला जनता का विमुक्त भागे वाला पार्टी के बन के है थोड़े चुनाव हो जाए जनता हो जाए कांग्रेस वाली चुनाव जीते चुनाव लड़ी जनता विश्वास करी हम भी विश्वास करी जनता कांग्रेस का भी विश्वास करी इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाई यानी कि अभी हम की सरकार हम की सरकार ना सरकार हम की पार्टी बना जी राजनीति है जैसे कि बहुत दल सड़क संघर्ष में भी जाए के कहता हो भी रहा विरोध प्रदर्शन खुद नेकपा के ही समूह द्वारा माधव नेपाल प्रचंड समूह द्वारा सड़क आंदोलन हो रहा बिहान जनता समाजवादी पार्टी के भी देशभर आंदोलन घोषणा हो चुकल बाटे कांग्रेस सड़क में संघर्ष में उतरी कि ना उतरी हमें आज केंद्रीय समिति की बैठक हो रहा केंद्रीय समिति की बैठक से हमने काल भी नेपाली कांग्रेस
जीत पाल करके तीनों राजनीतिक दल के बुलाकर अपने केंद्रीय कार्यालय में बुलाकर बात की। कांग्रेस की सरकार आ रही थी, कांग्रेस अपना सब कुछ बुला के बात करे थे, सब कुछ मिला के लेके जाए थे परिस्थिति में। कांग्रेस आजादी का हमने के अफसोस में जाए गए, टोना लगन में जाए गए, वो खतरा था के अराजक मत हो जाए कि सरकार के बहाना मिले जिसमें आगे ना कराए, वो अवस्था में डाली जाए। कोई बड़ा सवाल के बड़ा सावधानी से कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लंबा अनुभव है, बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस संविधान भी ट्रैक में आवे, सरकार ट्रैक में आवे, बढ़िया से चले, जनरल भूमिका निभानी चाहिए इसी तरह से जैसे कि आज ओली समूह आ माधव नेपाल समूह अलग अलग लगभग लगभग टूट गई बा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फूट गई बाटे। अब ये लोग चुनाव ओली प्रधानमंत्री कहते कि चुनाव ला तैयारी हो कि हमने दू तिहाई लियाम सन 50 लाख समानुपातिक वोट के साथ दू तिहाई के साथ फिर से सरकार बनाम सन। अब ये बात पर रौरा का कहें फिर से वहाँ कहते हैं कि हमने दू तिहाई लियाम सन सरकार बनाम सन, एगो तो विघटन करके चल गई नी समसन अभी प्रधानमंत्री योगी जी अभी वो तभी जा रहे हैं जब बुझाता है उस समय मानी साल में बहुत कुछ बदल चुका था, तब बुझाता है जब फिर छुट्टी होनी चाहिए और वही में हुए राष्ट्रवाद के फिर बांसुरी बजाए जी जी देश के स्थिरता के बात करें आलो हमारा विश्वास पर भोट दी कपड़ी लोग भोट गलत अभी वही जगह पर पाए उसे उनका सचिव को मिलता है भगवान मिल रहा है। अगर चुनाव भाई तो नेपाली कांग्रेस भारी पड़ी जी जी सभापति जी अंत में मानसन कार्यक्रम के अंत में का कहे चाहे पर्सा जिला के जनता सुनता नेपाली कांग्रेस आम कार्यकर्ता लोग श्रोता लोग भी सुन रहा बा लोग ये अवस्था राजनीतिक अवस्था पर का कहे चाहे पर्सा जिला के सब आदरणीय जन समुदाय से ये कहे के चाहे अपने राजनीतिक रूप से सचेत बानी सचेत रहे और महसूस कर रहे बनी अपने हमने प्रयास से मानी चाहे सर्व स्वभाव बनिया भौतिक देव बनिया रास्ता दिखाओ देश के प्रथम को आदि चुनाव हुई अपने के दिल में अगर लगा था कि नेपाली कांग्रेस पाए के देश के कोई भी हम सब देश के हमने लगा था फिर दिखाई दे रहा था कांग्रेस एक बार हमने ही बहुत कुछ कमी कमजोरी हुई हमने ये जांच कर हमने यही समाज के प्रोडक्ट हैं सर, लेकिन सबके बावजूद भी कांग्रेस से एक बार सत्ता के मिला के सौ सौ के सत्ता के बांध के सत्ता के साथ में लेके देश के चला सकता था समाज के चला सकता था, यही से कांग्रेस पार्टी जी धन्यवाद सभापति जी कार्यक्रम में व्यस्त समय के बावजूद भी अपने समय देने के खातिर रेडियो सारणवी की ओर से हम व्यक्तिगत प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से भी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। राम भाई अपने के भी रेडियो सारणवी के भी संपूर्ण जी वहाँ नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय द्विवेदी खास करके वर्तमान राजनीतिक अवस्था एतवार के दिन संसद विघटन भैया आज मंगर आवत आवत नेकपा फूट भी चुकल बाटे, ओली समूह नेपाल प्रचंड समूह एक ओर हो चुकल बाटे जी। और खास करके कहल जाओ तो केपी ओली समूह द्वारा केंद्रीय सदस्य के धमाधम नमावली भी हमनी समाचार में देख सकतानी सर, वही तरह माधव नेपाल प्रचंड समूह के आज भी जौन जारी बैठक रल उ बैठक से नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कार्यवाही कल गई बा, पार्टी अध्यक्ष से हटावल गई बाटे कह के वहाँ से जानकारी आ रहा बाटे। और नेकपा के आगामी अध्यक्ष माधव नेपाल वहाँ अध्यक्ष में चुनाइल बानी वहाँ सर्वसहमति से वहाँ चुनाइल बा, ये जानकारी हमने प्राप्त कर चुकल बानी सन। और साथ जौन संविधान अनुसार होके के चाहिए संसद विघटन, उ संविधान में हैले नहीं के संसद विघटन करके प्रधानमंत्री के हक अधिकार नहीं के, ये बात संविधानविद कानूनविद अधिवक्ता लोग कहत आ रहल बाटे। और खास करके संविधान विघटन भैला बाद केपी शर्मा ओली बैशाख 17 गते या 27 गते चुनाव के खातिर रेडी होकेला अपन कार्यकर्ता अपन आम जनता के आह्वान भी कर चुकल बानी, वहाँ के कहना भी बा हमनी द्वितीय बहुमत भी लेके आयम सन आवे वाला बैशाख 17-27 गते के प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 50 लाख वोट समानुपातिक वोट भी हमनी लेके आयम सन, वहाँ के ई कहना रहल बा। वही तरह माधव नेपाल प्रचंड समूह के बातचीत बात कल जाओ तो उलो के कहना बाटे कि
संसद विघटन के निर्णय बा जौन विघटन भइल बा उ गैर संवैधानिक बाटे, ओकरा के फिरता लेवे के परी, खारिज करे परी, और ओकरा के खारिज करावे के खातिर फिरता लेवे के खातिर नेकपा के चार गो सदस्य लोग अदालत में मुद्दा भी रिट भी दायर करा चुकल बा। साथे साथे और भी रिट दायर बा, लगभग लगभग 13 रिट आज तक ले संविधान अनुसार 13 रिट संसद विघटन के विरुद्ध में पड़ चुकल बा। उ रिट पर भी सुनवाई हुई, सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई, और अदालत के कहल जाना आदेश के अनुसार ही आए वाला वर्तमान अवस्था हमनी देख सकतानी। खास करके इस संसद विघटन के जवन बाटे उ संसद विघटन के प्रस्ताव खारिज हुई या फिर संसद विघटन भइल अवस्था ही रही, और आवे वाला 17 आ 27 दू गोचरण में नेपाल में फिर से प्रतिनिधि सभा के चुनाव होई, और एकरा के एकरा खातिर केपी ओली समूह पूरा जोर तोर से तैयारी में लाग चुकल बाटे, और साथे माधव नेपाल प्रसन्न समूह अभी के स्थिति में अपन पार्टी के जौन बा ओ व्यवस्थापन वही तरह केंद्रीय सदस्य के नमावली और विशेष काम में रहल बाटे। साथे खास करके अभी जौन रिट बा, रिट भी दायर भइल बाटे, वो रिट पर सुनवाई होके के अभी बाकी बा सुनवाई नहीं भइल, आए वाला दिन में भी अदालत में सुनवाई होई संसद विघटन के रिट के ऊपर। संसद विघटन के रिट खारिज होता कि ना होता ये अभी देखे वाला विषय वस्तु बाटे, जेकरा चलते अभी खास करके एक पक्ष कह रहा बाटे कि गैर संवैधानिक बा, असंवैधानिक बा, प्रधानमंत्री के अधिकार हैले नहीं के संसद विघटन करे के, दोसर पक्ष के बाटे कि 17 केपी ओली पक्ष के आ 27 के चुनाव में आम जनता आई चुनाव के तैयारी करी। दूगो बीच में देश रहल बा अभी के संदर्भ में कहल जाओ तो, और संसद विघटन हो चुकल बा नेपाल में अभी के अवस्था में जी। और इहे संदर्भ में आज हमनी नेपाली कांग्रेस पर्सा के सभापति अजय द्विवेदी से बातचीत करनी सन बिहान, फिर से हमनी दूसर विषय दूसर अतिथि के लेके आवे के वादा करता। आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा, अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक रूप में सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र अनूप जी के भी बहुत सारा धन्यवाद बाटे, और आज के खातिर विदा मांगे के समय हो चुकल बा। सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 MHz राम मंडल के विदा दी, नमस्कार।